मैं बात कर रही हूँ भारतीय एयरटेल की, 772 के लेवल्स पर याद रखिएगा, 777 दरअसल आज का डे हाई था, तो उसी के आसपास फिर जाने की कोशिश, स्पाइक आ रहा है और स्पाइक की वजह यह है कि भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज के दाम फिर बढ़ाए हैं। असीम, टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करते हैं क्लोजली, असीम बताइए किन किन सर्कल्स में ये टैरिफ बढ़ा है और रफली कितना इजाफा आया है टैरिफ्स में? देखिए, अगर आप भारतीय एयरटेल के ग्राहक है तो आपको मिनिमम रिचार्ज 155 रुपए का कराना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल ने पहले दो सर्किल हरियाणा और उड़ीसा में दरें बढ़ाई थी, लेकिन अब सात और सर्किल को इसमें जोड़ दिया। ये सर्किल है यूपी वेस्ट, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट। तो इन सर्किल के अंदर अगर आप भारतीय एयरटेल का ग्राहक है तो आपको मिनिमम रिचार्ज 155 रुपए का कराना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपको मिनिमम रिचार्ज 99 रुपीज का मिलता था, तो ये 56 रुपए के आसपास पर पैक में बढ़ा दिया। अगर मैं कस्टमर की रेवेन्यू शेयर की बात करूं तो करीबन 40% रेवेन्यू शेयर भारतीय एयरटेल का इन सर्किल से आता है और 38% कस्टमर बेस इन्हीं सर्किल के अंदर आता है। तो भारतीय एयरटेल ने धीरे धीरे अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। आगे आने वाले दिनों में आप बाकी सर्किल्स में बढ़ोतरी होती हुई देख सकते हैं। कंपनी ये चाहती है कि वो क्वालिटी कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें, ना कि जो कम पैसा देने वाले कस्टमर है उनके ऊपर फोकस करें। तो मिनिमम रिचार्ज एंट्री पॉइंट उन्होंने 155 रुपीज कर दिया। अगर आपको एयरटेल के नेटवर्क से जुड़े रहना है तो आपको कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो कि पहले 99 रुपीज का था। ओके, असीम शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देखिए भाजपा इस न्यूज की इंपॉर्टेंस समझिए, और इसके लिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले वो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया था भारती को, और उन्होंने कहा था कि टैरिफ हाइक नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन कंपनी कर रही है टैरिफ हाइक। और ये जो है ना 99 से 155, अगर ये बेसिक एंट्री है तो सोचिए आरपू पे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर्स जो है वो एक बेसिक ही यूज करते हैं। मतलब जैसे मेरी माता जी वो अभी भी बेसिक वाला यूज करती है क्योंकि उनको उससे ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो एक ये सबसे बड़ा तबका है इंडिया में, तो इससे मुझे लग रहा है कि काफी इंपैक्ट आएगा। और वो उस रिपोर्ट ने एक काम किया, वैसे वो स्टॉक को एंट्री पॉइंट पर ले गया 200 डे मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक वो स्टॉक को लेकर गया और वहां से स्टॉक ने बाउंस दिखाया। जो 200 डे मूविंग एवरेज था उसका, स्टॉक का उस दिन 756 रुपए था, 764 रुपए तक गया था उस दिन स्टॉक, इनफैक्ट उसके भी थोड़ा नीचे गया था, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक गया। अगर वो टेक्निकल चार्ट आ जाए जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज है तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा, और वहाँ से इसमें बाउंस आया। मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा ये, यहाँ पर एक दो ब्रोकरेज नोट्स वगैरह अगर आते हैं इस पर कि वो किसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये वजह था कि टैरिफ हाइक कर ही नहीं पाएंगे, इन्होंने तो करके दिखा दिया।